मौलवी अहमद रजा खान की दोस्ती थी अब्दुल बारी फरंगी महल्ली से। अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को मौलवी अहमद रजा ने हजरत थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान दिखाई, जिसमें मुतनाज़ा इबारत है। अब्दुल बारी फरंगी महल्ली कहने लगा, इसमें तो किसी किस्म की कोई तौहीन और गुस्ताखी नहीं है। अहमद रजा ने मिसाल से समझाया, उसने कहा नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं बनती। अहमद रजा खामोश हो गया और आखिर तक अपनी दोस्ती और मोहब्बत को बरकरार रखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह के बारे में अहमद रजा ने फतवा लिखा है, वो फतवा ये है कि जो हजरत थानवी और दीगर उलमा को काफिर न कहे वो खुद काफिर है। अब बताओ, इस फतवे की जद में अब्दुल बारी फरंगी महल्ली आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था। अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने काफिर नहीं कहा, तो जब काफिर अब्दुल बारी हो गया था, इसको काफिर कहना अहमद रजा का हक बनता था। अहमद रजा ने फिर काफिर न कहा, तो मुझे आप बताएं, मन शक्कफी कुफरहिम व अजाबहिम फकद कफर का फतवा अहमद रजा की गर्दन में आता या नहीं आता? दुनिया का कोई रजा खानी अहमद रजा की गर्दन से फंदा निकाल नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं, जुर्रत से कह रहा हूं, आप इसको आजमा के देख लें, लेकिन पहले तुम्हारे अपने पैर मजबूत होने चाहिए। तुसी आप कम दे खड़ोते हो, वो तो चैलेंज शैलेंज न करे आए पे बात खल्ले खासो। पहले अच्छी तरह बात को समझे, फिर उसके बाद मैदान में आए। इसके लिए उसामुल अरमैन का जरूर मुताला करें, उस्ताद जी की किताब। दूसरी बात सुन लो, अब मौली अहमद रजा ने जो इल्जाम हमारे अकाबर अरबा पे लगाए, यही इल्जाम शाह इस्माइल शहीद पे लगाए। मसलन हजरत ननोतवी को कहा खत्म नबूवत का मुनकिर, हजरत गंगोई को कहा यह खुदा को झूठा कहता है, हजरत थानवी और हजरत अम्बेठवी रहिमहुमल्ला के मुतल्लिक कहा यह नबी को गालियां देने वाले हैं। अब आओ, यही बात अहमद रजा ने शाह इस्माइल शहीद पे लिखी है। उठाओ उसका रिसाला सल्लो सुयूफिल हिंदिया, उठाओ रिसाला अलकौकबत शहाबिया अला कुफरियात अबिल वहाबिया, उसमें अहमद रजा ने दोनों में लिखा है कि शाह इस्माइल के मुतल्लिक कि ये अपने पीर को नबी और बिलफेल नबी और तशरी नबी मानता है। अब नबी मान के इसने खत्म नबुव्वत का मुनकर बना दिया, इसने शाह साहब के बारे में लिखा है ये खुदा को झूठा मानता है, इसने शाह साहब के बारे में ये भी इल्जाम लगाया, इसने ऐसी गालियां नबी को दी हैं जो किसी पंडित और देहरिये यहूदी और ईसाई ने भी नहीं दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तीनों इल्जाम आ गए या ना आ गए? जो इल्जाम इधर लगाए वो इल्जाम शाह साहब के मुतल्लिक, ये नबी हुजूर को आखिरी नहीं मानता, पीर को भी नबी मान रहा, खत्म नबूवत का मुनकर है। दूसरा इल्जाम खुदा को झूठा मानता है। तीसरा इल्जाम नबी पाक को गालियां देता है। ये इल्जाम इधर हजरत गंगोई, हजरत ननोतवी, हजरत थानवी और हजरत सहारनपुरी पे है। अब देखना तवज्जो, अहमद रजा को खुदाई कहर ने कैसे घेरा आके, कहता है मन शक्कफी कुफरहिम व अजाबहिम फकद कफर, जो इनके कुफर में शक करे वो काफिर है। और इधर कहता है कि इसको काफिर न कहो, इल्जाम हो। इधर कहता है मन शक्कफी कुफरहिम व अजाबहिम फकद कफर, इधर कहता है इनको काफिर न कहो, उलमाए मोहतातीन काफिर न कहे, इनको काफिर नहीं कहना चाहिए, मैं मुसलमान समझता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, यही इल्जाम इन चार पे हो तो काफिर है, यही इल्जाम हजरत मौलाना शाह इस्माइल पे हो तो वह मुसलमान है। खुदा की तलवार अहमद रजा पे गले पे आई कि जो फतवा इन चार पे लगाया अपने गले में आया है। आया या नहीं आया? कहता है इनको काफिर नहीं कहेगा तो खुद काफिर, यही इल्जाम शाह इस्माइल शहीद पे, और कहता है काफिर न कहो, तो ये फतवा किसके लिए आया था? उसामुल हरमैन का फतवा अहमद रजा अपने लिए लाया है, हमारे लिए नहीं लाया।
और बात समझ आई है। तफसील के लिए आप मुताला फरमाएं हुसामुल हरमैन का तहकीकी जैसा, इसको आप दलायल से ये दो नुक्ते समझ लें, दुनिया का बरेलवी आपके सामने नहीं ठहरेगा इस उनवान पे।